बाबा भैरवनाथ मंदिर साहूकारा स्थित बहुत ही प्राचीन भव्य मंदिर है। यहाँ आप देख सकते हैं नवरात्रों के उपलक्ष्य में यहाँ पे भी भीड़ भाड़ आपको नहीं दिखेगी। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और सरकार द्वारा गाइडलाइंस जैसी जो दी गई है उसका पूरा पालन करते हुए ही यहाँ पे पूजन हो रहा है साहूकारा स्थित बाबा भैरवनाथ मंदिर। चलते हैं, आज हम लोग बरेली में स्थित बहुत ही प्राचीन लगभग 250 साल पुराना, उससे भी पुराना प्राचीन मंदिर जहाँ बाबा भैरवनाथ जी बैठे हुए हैं। और ये गली आप देख रहे हैं, ये गली एक समय ऐसा होता था कि नवरात्रों के दिनों में यहाँ पे दुकानें लगती थी, दुकान के संग संग लोगों का इतनी भीड़ रहती थी कि निकलने यहाँ पे जो गद्दी नशीन है जो बाबा के यहाँ सेवा कर रहे हैं और बाबा ने जिन्हें सौभाग्य सेवा का दिया हुआ है आयु अंत जी से और बाबा के यहाँ जो विराजमान हैं उनसे एक वार्ता करते हैं। महाराज जी सबसे पहले प्रणाम, आप बीती जब बीती टीम की तरफ से आपके आपको सादर प्रणाम और नवरात्रि की हार्दिक बधाई। तो महाराज जी आपका शुभ नाम? शुभ नाम योगी आजाद नाम। तो महाराज जी यहाँ कब से आप सेवा रहते हैं और इस साल क्या स्थिति है, किस स्थिति से भक्त यहाँ पे आ जा रहे हैं? सर यहाँ 2006 से आए हुए हैं जब इसे सेवा बराबर चली गई है और यहाँ स्थिति आगे ऐसे शहर में इतने समझदार आदमी हैं जितने भी लोग हैं तो हमें 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, चेहरे पे मास्क जरूरी और जिस पर अगर जो मास्क ना हो ले ना सके गरीब आदमी कोई तो अपना जो जो मतलब गले में घेरने वाला है तौलिया कह दो या मफलर कह दो या कुछ वो कह दे कुछ और भी सके अंगोछा कह दें तो इसे भी लपेट सकते हैं। वो तो यहाँ सब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, सरकार की मान्यता पूरी मानने जा रही है। ठीक है, तो महाराज जी आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से बाबा के चरणों में हमारे भक्तों के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? साहब हम तो उनकी तंदुरुस्ती की प्रार्थना करते हैं कि भगवान ने तंदुरुस्त रखे, उनके बच्चों को तंदुरुस्त रखे बस। और ये कोरोना महामारी का जो पीरियड चल रहा है इसके विषय में थोड़ा जानकारी दें। महामारी का तो ये चीन से निकली हुई है महाराज, रही बात ये गंदे आदमियों के ज़्यादा लगती है मीट मच्छी खाने वाले के लिए, रही बात बाकी और जो है हवा से वातावरण खराब हो जाए इसलिए मास्क नहीं पहनेंगे, 2 गज की दूरी नहीं रखेंगे तो खराब हो सकता है, इसलिए हमें एक दूसरे को बचाना है, हमें एक दूसरे के आपस में एक है, हम दो नहीं हैं, हम इसलिए हम रखेंगे वो काम सरकार का आदेश तो वो बचेगा, हम ही मर सकें लेकिन एक दूसरे के हम अहित नहीं कर सकते, बिल्कुल एक दूसरे के एक बनकर रहना है हमें। तो जैसा कि आपने देखा, आपको महाराज ने भी बताया कि जो भक्ति भाव में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और बाकायदा सरकार की जो नीतियों का पालन करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो सेफ और सुरक्षित है और ईश्वर की शरण पर ऐसी शरण है जहाँ किसी को कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप देख रहे हैं ये प्रांगण बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। आज मैं आप बीती जब बीती से आग बीती जब बीती टीम के लिए मैं जिला संवाददाता बरेली से मेरे साथ में सहयोगी मेरे सचिन पाठक।